नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट रखे हैं एंथोरियम का है, इसे मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी और उसको लगाया था, और अब आज मैं इसको एक प्लांट से अनेक प्लांट कैसे बना लेते हैं, इसी को आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है, मेरे यहाँ 600 में मिल रहा था। थोड़ी कमी बेसी करने के बाद उन्होंने 500 में मुझे इसे दिया। तो इतने महंगे प्लांट हैं और बहुत ही आसानी से ये नीचे पफ्स देते हैं, उसको निकाल कर हमें एक से अनेक प्लांट बना लेने में बहुत ही आसानी होती है। तो आपके पास भी ये प्लांट होंगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसको एक से अनेक प्लांट बना ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके पफ्स को देखें, इसके पफ्स यहाँ नीचे निकले हुए हैं, ये नन्हे वाले, इसी को हमें निकालनी है और निकाल कर इसको लगा लेते हैं। साथ ही इसके बारे में मैं चर्चा कर लेती हूँ कि अगर इसको ज़्यादा धूप में रखोगे तो इस तरह से उसके जो लिप्स हैं, इसको लिप्स ही बोलते हैं, कोई कोई फ्लावर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये सीड्स है इसके। तो आप इसको छाए वाली धूप में रख सकते हो तो इसके कलर्स इतने खूबसूरत चमकीले दिखाई देंगे। इसको इंडोर भी रखा जा सकता है। तो इसको मैं इसमें से निकालती हूँ, साथ ही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसे जो मैं लगाने वाली हूँ वो गमला मैंने बहुत ही नन्हा सा रखा है। इसको जब भी लगाएं तो बहुत बड़े गमले में नहीं लगाएं, ये नन्हा सा गमला है, जब इसमें मैं इसको ग्रो करूँगी। इसके नीचे ड्रेनेज होल भी आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। तो इसी में इसको मैं लगाऊंगी, जो पफ्स निकालूंगी उसको। तो निकालने का शेयर करने करती हूँ आपसे। तो इसके लिए कोई एक निकालने के लिए इस तरह के आप औजार ले लें, और उससे पहले हल्की हल्की मिट्टी को हम लोग अलग करेंगे। ऊपर की मिट्टी को पहले हल्की सी, मैंने इसे मिट्टी में सॉइल में ग्रो किया था, लेकिन अभी मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं इस में सॉइल का उपयोग नहीं करूँगी। इसको ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए ताकि यह आसानी से पानी इसमें से निकल जाए। मैं अभी जो आपसे शेयर करूँगी उसमें मैं सॉइल में ग्रो नहीं करूँगी। अब यहाँ से इसको धीरे धीरे करके आप मिट्टी को हटाएं, और ये मदर प्लांट से जुड़ा हुआ होगा तो इसको ध्यान रखें कि मदर प्लांट से हटाने के समय मदर प्लांट पर कोई इसका असर ना हो, इसलिए धीरे धीरे आप यहाँ से इसको रिमूव करें। इसके रूट्स अभी मैं हाथ से भी थोड़ा निकाल कर देखती हूँ। देखो, इसके रूट्स इस तरह के डेवलप कर गए हैं। पफ्स को तब निकाला करें जब उसके अपने रूट्स बन जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट्स नहीं बने हैं, खुद के रूट्स नहीं बने हैं और पफ्स को निकाल लिए, उस अवस्था में आपके प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। ये पकड़े हुए है, इसको रूट्स लगता है बहुत अंदर तक गए हुए हैं। इसे बगल बगल से आप ले ताकि ये इस पर कोई जोर ना पड़े। साथ ही में मदर प्लांट से इसको हटाने में भी सतर्क रहें, मदर प्लांट पर कोई इसका इसको इसमें दोनों उंगली से मैं फंसा लेती हूँ, और इसके बाद इससे इसको नीचे से ये निकला। तो इस तरह से आप इसको पकड़ के निकाल लें। अब देखिए इसके रूट्स किस तरह के डेवलप कर गए। तो इस तरह से जब रूट इसके डेवलप कर जाएं तभी पफ्स को निकाला करें। ये इसी प्लांट के लिए नहीं, और भी जितने भी पफ्स वाले प्लांट हैं
उन सब के लिए बात है कि आपको उसी समय इसको निकालनी है जब इसमें खुद के रूट्स बन जाए। और ये मदर प्लांट से जुड़े हुए थे, कहाँ से जुड़े थे मुझे दिख नहीं रहा है, खैर छोड़ो, अभी तो इसमें इतने रूट्स हो गए हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ रख देती हूँ और आपसे शेयर कर लेती हूँ कि इसको लगाएंगे कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने ये पॉट चुना है जो आप देख रहे होंगे, बहुत नन्हे से पॉट है। इसको बहुत बड़े पॉट में अभी नहीं लगानी है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसे बड़े पॉट में करेंगे, लेकिन अभी नन्हे से पॉट में मैं इसको लगाऊंगी। ड्रेनेज होल आप देख ही रहे हो, इसमें नीचे मैं ईंट के टुकड़े, ब्रिक्स के टुकड़े इसमें मैं नीचे डाल देती हूँ ताकि मॉइस्चर जो है बना रहे। और इसको जो मैं लगाने वाली हूँ वह सॉयलेस मीडियम में इसको मैं लगाऊंगी। सॉयलेस मीडियम का मतलब ये है कि इसमें जो मैंने रखे हैं मटेरियल उसको मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो एक खाली पॉट इसमें मैंने लिए हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, कोई भी आप नाप लो उसे। यहाँ मैंने तीन रखे हुए हैं, तीन कोकोपीट, एक दो और तीन, एक कोकोपीट हो गए, याद है दोस्तों। इसमें मैंने तीन कोकोपीट डाल लिए हैं, एक बर्मी जो केचुए की खाद होती है वो डाल दी है, और दो मैं इसमें परलाइट डाल दे रही हूँ। थोड़े से इसमें कम थे परलाइट मेरे, थोड़े से हल्के से कम दिख रहे हैं, दो इसमें परलाइट डाल दे रही हूँ। तो ये तीन हो गए आपके कोकोपीट, एक हो गए केचुए की खाद और दो हो गए इसमें परलाइट। अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर सॉयलेस मीडियम हम लोग को बना लेनी है, और इसी को गमले में भर के और इसी में जो नन्हे से पॉप्स निकाले हैं हम लोगों ने, बेबी प्लांट निकाले हैं, उसको मैं ग्रो कर दूंगी। दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहती हूँ, तीन एक कोई नाप आप लेंगे उसे, तीन इसमें कोकोपीट डाले हैं मैंने, दो परलाइट डाले हैं और एक केचुए की खाद डाली है। सबको अच्छी तरह से मिला लेनी है, सॉयलेस मीडिया इसको बोलते हैं, इसको तैयार कर लेनी है और इसके बाद आपको पॉट में इसको भर लेने हैं। और इसी तरह फिर से ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये भी पप्स देगा। इस तरह से आप निकालते चले जाओ और ढेर सारे प्लांट आपके पास हो जाएंगे। और इसके हिस्से वहीं तक दबाने हैं सॉइल में, जहाँ से सॉइल नहीं, वो जो मीडिया बनाए हम लोग, जो मीडियम बना के रखे हैं उसमें, जहाँ से इसके ग्रीन वाले हिस्से दिखाई दे रहे हैं वो मिट्टी में नहीं जानी चाहिए। तो इसको रखने के बाद अब इसमें फिर से सॉइल भर देने हैं। मुझे एक हाथ से दिक्कत हो रही है इसको पकड़ने में। तो दोस्तों, इस तरह से जो इतना कॉस्टली प्लांट है उसको आप आसानी से एक से बहुत सारे बना ले सकते हैं, साथ ही उसको आप किसी को चाहे तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका लग जाता है, बहुत इसमें केयर आपको केवल पानी की रखनी है, पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको जो मीडियम हम लोगों ने दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, इसमें इसको पानी वाली परेशानी नहीं होगी। इस तरह से इसमें रख के दबा देनी है और इसके बाद इसको ठंडे जगह में रखने हैं, क्योंकि अगर बहुत धूप में इसको रखोगे तो ऐसे भी ये नमी, इसको नमी चाहिए, नमी वाला प्लांट है, नमी नमी इसको चाहिए।
और अभी जब रिपोर्ट किए हैं इसको मदर प्लांट से अलग किए हैं तब तो इसको ठंड में रखनी ही है। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद अब हम लोग इसमें पानी दे देते हैं। पहली बार जब रिपोर्ट करें लगाएं पौधे को तो अच्छी तरह से पानी दे दें। ड्रेनेज हो से जब वाटर बाहर आने लगे तब समझें कि इसकी ज़रूरत पूरी हो गई है। और दोस्तों इसी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लूँगी। तो आप भी अपने किसी भी प्लांट के, नहीं केवल एंथोरियम, किसी भी प्लांट के पप्स को इस तरह से निकाल कर एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।